फ्रेंड्स, मैं हूं भाग्यश्री, आपको स्वागत करती हूं मेरे चैनल केवी क्रिएशन में। तो आज मैं आपको पास्ता की रेसिपी दिखाने वाली हूं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ता की रेसिपी। मैं पास्ता बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो चलिए देखते हैं। पहले बॉयल किया हुआ पास्ता लिया हूँ यहाँ मैंने, फिर यहाँ पर बारीक कटा हुआ ओनियन मतलब प्याज लिया हूँ, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, फिर लहसुन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्च और ये है करी पत्ता, और ये बॉईल क्या हुआ टमाटो का प्यूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास्ता के लिए। हम यहाँ पे सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद तेल गरम हो रहा है अभी हम वेट करेंगे थोड़ा तेल गरम होने तक। अभी हमारा तेल गरम हो गया, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। देखिए अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है करी पत्ता और थोड़ा फ्राई करना है। फ्राई हो रहा है हमारा करी पत्ता, फ्राई हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे सब्जी जो काट के रखे थे। पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे अभी। देखिए इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अदरक, उसके बाद हम यहाँ पर डालना है हरी मिर्च जो बारीक काट के रखे थे। देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करना है सभी सब्जियों को, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है बारीक कटा हुआ प्याज, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है इसको। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है बारीक कटा हुआ गाजर, उसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। याद रखना है इसको हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम में इससे फ्राई नहीं करना है। अभी ये मीडियम फ्लेम में फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा सौते करना है इसको। जब ये थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है शिमला मिर्च, इसको भी हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। देखिए ये फ्राई हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। अगर बच्चों को नई डिशेस खाना है, अगर डेली का अगर खाना उनको पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से उनको बना के दे सकते हो। ऐसे बनाने से बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही टेस्टी है, ये बहुत अच्छा है। इससे बच्चों को सभी प्रकार की विटामिन मिल सकता है। देखिए इसमें सभी सब्जियां वेजिटेबल मिक्स है। अभी थोड़ा सा जब फ्राई होने लगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक डालेंगे यहाँ पे। फिर हमें यहाँ पर डालना है 2 टीस्पून हल्दी पाउडर। देखिए यहाँ पर 2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे हम हल्के से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। ये हो चुका है, अभी जब थोड़ा सा पक जाए तो इसमें हम सॉस डालेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमें इसमें सॉस डाल लेंगे।
हैंड सामग्री इसमें सॉस डालेंगे। पहले ये देखिए पैन का चिली सॉस डालेंगे। हो गया। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप। देखिए हम इसके बाद यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। इसे हम कलर और टेस्ट लाने के लिए दे रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे विनेगर थोड़ा सा। बॉइल किए थे टमाटो को जो ग्राइंडिंग किए थे को डालेंगे अभी। अभी हम इसको सभी सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा सा हमें हाई फ्लेम करना है। इसको डालेंगे मैगी मसाला। देखिए 1 पैकेट डालेंगे मैगी मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चे उंगली चाटते रह जाएंगे जब ये खाएंगे तो। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी को। बच्चों बूढ़ों को सबको पसंद आएगा ये रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी। अब देखिए हमारा ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता जो बॉईल करके रखे थे। पास्ता देखिए पास्ते को अभी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इसको। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर मेरा वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे वीडियो में जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यूनिक स्टाइल का पास्ता, दिखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में तो आप खुद घर के बना के टेस्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास्ता बन के रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है। इसे बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। और ये है हमारी टेस्टी यम्मी पास्ता। आप भी घर में जरूर ट्राई कीजिए। और कैसा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।